देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो बना के बोल दिया था कि बलेनो की एक्सटीरियर लुक कैसी होने वाली है, इंटीरियर लुक कैसी होने वाली है, किस इंजन ऑप्शन का इस्तेमाल किया गया है ये फेसलिफ्ट बलेनो में, इसके साथ साथ क्या गियरबॉक्स ऑप्शन रहने वाला है इस नई बलेनो में। लेकिन एक चीज छूट गई थी, वो है फीचर। इस कार में आप लोगों को क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा उसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कॉन्फर्मेशन आ चुका है कि ये फीचर आपको इस कार में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए आज के इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। इस कार में आपको क्या क्या फीचर देखने को मिलेगा उसका लिस्ट मेरे पास आ चुका है और वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इस कार में आप लोगों को 9 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा जो डैशबोर्ड के ठीक ऊपर ही माउंट किया जाएगा। जो आपको ऑल्ट्रोस में देखने को मिलता है वो ही टाइप का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लोगों को ऑल्ट्रोस में, आप लोगों को बलेनो में देखने को मिलेगा, 9 इंचेस की होने वाली है। इसके अलावा एंड्रॉयड और एप्पल का जो वायरलेस सपोर्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। वायर्ड भी आप लोग चला सकते हो, उसके साथ साथ वायरलेस भी आप लोग एंड्रॉयड और एप्पल सपोर्ट अपने फोन से कनेक्ट करके चला सकते हो। इसके अलावा इस कार में आप लोगों को देखने को मिलेगा अपडेटेड फिट एंड फिनिश। फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी आपको अपडेटेड देखने को मिलेगी, बढ़िया क्वालिटी की होने वाली है। अगर MID की बात करें तो MID आपको वही पुराना वाला ही मिलेगा जो बलेनो में देखने को मिलता है। स्टीयरिंग व्हील को चेंज कर दिया गया है, स्पोर्टियर स्टीयरिंग व्हील आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्विफ्ट में इस्तेमाल होती है, वो ही डी कट स्टीयरिंग व्हील अब आप लोगों को बलेनो में देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक फीचर मिसिंग था जो कि है क्रूज कंट्रोल का, और क्रूज कंट्रोल फीचर भी अब आप लोगों को फेसलिफ्टेड बलेनो में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा ऑटोमेटिक हेडलैम्प जो बलेनो में मिसिंग था, वो फीचर भी अब आपको इस कार में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो सबसे अपडेटेड फीचर है जो अभी लेटेस्ट न्यूज के अनुसार आया है वो है हेड्स अप डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, आपको मारुति बलेनो में हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो किसी भी प्रीमियम हैचबैक में मौजूद नहीं है। प्रीमियम हैचबैक तो छोड़ो, कोई भी हैचबैक गाड़ियों में आपको हेड्स अप डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। हेड्स अप डिस्प्ले की एक ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूँ जो आपको किया सेल्टोस में देखने को मिलते हैं, तो उसी टाइप की हेड्स अप डिस्प्ले अब आप लोगों को फेसलिफ्टेड मारुति बलेनो में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे वो सारे फीचर जो अभी न्यूज के दौरान कॉन्फर्मेशन मिला है, और ये सभी फीचर आप लोगों को अपडेटेड मारुति बलेनो में देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे कंटेंट दोबारा देखने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।